हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसन के दानेदार स्वादिष्ट लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। जिसके लिए मैंने बेसन लिया है, बेसन मैंने 200 ग्राम के अंदाज लिया है। अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। आज लड्डू हम बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे। कोई भी फेस्टिवल हो, या आपको पूजा में बनाने हो, या आपका मीठा खाने को मन करे, तो आप झटपट इसे बना के सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैटर को हम लोग इस प्रकार का रखेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे इसे, ताकि बेसन हमारा काफ़ी फ्लफी बन जाए और हमारा लड्डू काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बने। देखिए बैटर को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे छोटी छोटी पकौड़ियों की तरह इसे सेक लेंगे। तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका। गैस की फ्लेम हम लोग मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे, नहीं तो इसके अंदर कच्चापन आ जाएगा और बिल्कुल भी स्वाद हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सिक के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम लोग हमारे सारे बेसन के बैटर से ये सब बना लेंगे। देखिए ठंडा करके हम लोग इसको ग्राइंडर जार के अंदर पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी झटपट ये लड्डू बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। देखिए इस तरीके से हम लोग इसका एक पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल दानेदार हमारा पाउडर बना है। अब हम हमारे चाशनी को तैयार करते हैं लड्डू के लिए। जिसके लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है, एक कटोरी से थोड़ा कम हमने पानी लिया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। अब हम इसे फूड कलर डालेंगे। मैं ये येलो कलर डाल रही हूँ, आपको जो पसंद हो आप वो कलर इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी हमारी बन रही है। इतने हम लोग हमारे जो बेसन का जो पाउडर था उसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारी चाशनी को भी देखते हैं। चाशनी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसमें हमारे जो बेसन का जो हमने पाउडर भुना था वो इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ही हम लोग इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इसे पकाएंगे। देखिए अब हम इसमें खरबूजे के बीज डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा करने के बाद हम लोग इसके लड्डू बना लेंगे। ये बिल्कुल बाजार जैसे लड्डू बनेंगे और झटपट बनके एकदम तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसके लड्डू बना लेंगे। थोड़ा ठंडा करने के बाद ही आपको लड्डू बनाने हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लड्डू को बना लिया है। आप जो सा भी साइज देना चाहे वो दे सकते हैं इसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनके एकदम तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको झटपट बनने वाले मोतीचूर के लड्डू कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।